Hello. Wait a second. Srishti, forgot your lunchbox. Are? Thank you, auntie. Welcome. Hello. Are you busy? Nothing. Came to drop my neighbor's daughter at school. Did you find any school for your child? Not yet. Wait a minute. I will call you later. This is my school. It's very pleasant and cozy here. I just love my school. नमस्कार. न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी. व्यय क्रते सदा वर्धते विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम. अर्थात न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकते हैं, न इसमें वजन होता है. खर्चने से हमेशा बढ़ती है और विद्या का धन सब धनों में श्रेष्ठ है. इसी के साथ मैं चर्चा करने जा रही हूँ आज एक ऐसे विद्या मंदिर की जिसका नाम है ग्रीनलैंड्स स्कूल, जो स्थित है पोरसा के मोहनपुरा रोड पर एक भव्य बिल्डिंग में, जो बहुत सी सुविधाओं से सुसज्जित है. एक बड़े कैंपस में ग्रीनलैंड्स में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके संपूर्ण विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. ग्रीनलैंड्स स्कूल पिछले एक वर्ष से नियमित रूप से संचालित है. महज एक वर्ष में अपनी शिक्षा पद्धति, सुविधा एवं डिसिप्लिन के लिए विख्यात है. आज तक स्कूल द्वारा कभी भी कोई गलत प्रचार नहीं किया गया है. आपके समक्ष चल रहे इस वीडियो के माध्यम से स्कूल के वातावरण एवं विभिन्न गतिविधियों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जो पूरी तरह से वास्तविक है. इसमें कोई भी पिक्चर एवं फोटो नकली एवं नेट से डाउनलोडेड नहीं है. आपके बच्चों के भविष्य को ग्रीनलैंड्स स्कूल पोरसा सुरक्षित करने का संकल्प लेता है. राष्ट्रीय स्तर की संस्था अब आपके शहर में बाईपास रोड टेलीफोन एक्सचेंज के सामने मोहनपुरा रोड पर स्थित है. नमस्कार. न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी. व्यय क्रते सदा वर्धते विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम. अर्थात न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकते हैं, न इसमें वजन होता है. खर्चने से हमेशा बढ़ती है और विद्या का धन सब धनों में श्रेष्ठ है. इसी के साथ मैं चर्चा करने जा रही हूँ आज एक ऐसे विद्या मंदिर की जिसका नाम है ग्रीनलैंड्स स्कूल, जो स्थित है पोरसा की मोहनपुरा रोड पर एक भव्य बिल्डिंग में, जो बहुत सी सुविधाओं से सुसज्जित है. एक बड़े कैंपस में ग्रीनलैंड्स स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके संपूर्ण विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. ग्रीनलैंड्स स्कूल पिछले एक वर्ष से नियमित रूप से संचालित है. महज एक वर्ष में अपनी शिक्षा पद्धति, सुविधा एवं डिसिप्लिन के लिए विख्यात है. आज एक स्कूल द्वारा कभी भी कोई गलत प्रचार नहीं किया गया है. आपके समक्ष चल रहे इस वीडियो के माध्यम से स्कूल के वातावरण एवं विभिन्न गतिविधियों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जो पूरी तरह से वास्तविक है. इसमें कोई भी पिक्चर एवं फोटो नकली एवं नेट से डाउनलोडेड नहीं है. आपके बच्चों के भविष्य को ग्रीनलैंड्स स्कूल पोरसा सुरक्षित करने का संकल्प लेता है. राष्ट्रीय स्तर की संस्था अब आपके शहर पोरसा में बाईपास रोड टेलीफोन एक्सचेंज के सामने मोहनपुरा रोड पर स्थित है. धन्यवाद. नमस्कार. न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी. व्यय क्रते सदा वर्धते विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम. अर्थात न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकते हैं, न इसमें वजन होता है. खर्चने से हमेशा बढ़ती है और विद्या का धन सब धनों में श्रेष्ठ है.
इसी के साथ मैं चर्चा करने जा रही हूँ आज एक ऐसे विद्या मंदिर की जिसका नाम है ग्रीनलैंड्स स्कूल, जो स्थित है पोरसा की मोहनपुरा रोड पर एक भव्य बिल्डिंग में, जो बहुत सी सुविधाओं से सुसज्जित है। एक बड़े कैंपस में ग्रीनलैंड्स स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके संपूर्ण विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ग्रीनलैंड्स स्कूल पिछले एक वर्ष से नियमित रूप से संचालित है। महज एक वर्ष में अपनी शिक्षा पद्धति, सुविधा एवं डिसिप्लिन के लिए विख्यात है। आज एक स्कूल द्वारा कभी भी कोई गलत प्रचार नहीं किया गया है। आपके समक्ष चल रहे इस वीडियो के माध्यम से स्कूल के वातावरण एवं विभिन्न गतिविधियों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जो पूरी तरह से वास्तविक है। इसमें कोई भी पिक्चर एवं फोटो नकली एवं नेट से डाउनलोडेड नहीं है। आपके बच्चों के भविष्य को ग्रीनलैंड्स स्कूल पोरसा सुरक्षित करने का संकल्प लेता है। राष्ट्रीय स्तर की संस्था अब आपके शहर पोरसा में बाईपास रोड टेलीफोन एक्सचेंज के सामने मोहनपुरा रोड पर स्थित है। नमस्कार। न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्ययकृते सदा वर्धते विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकते हैं, न इसमें वजन होता है। खर्चने से हमेशा बढ़ती है और विद्या का धन सब धनों में श्रेष्ठ है। इसी के साथ मैं चर्चा करने जा रही हूँ आज एक ऐसे विद्या मंदिर की जिसका नाम है ग्रीनलैंड्स स्कूल, जो स्थित है पोरसा की मोहनपुरा रोड पर एक भव्य बिल्डिंग में, जो बहुत सी सुविधाओं से सुसज्जित है। एक बड़े कैंपस में ग्रीनलैंड्स स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके संपूर्ण विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ग्रीनलैंड्स स्कूल पिछले एक वर्ष से नियमित रूप से संचालित है। महज एक वर्ष में अपनी शिक्षा पद्धति, सुविधा एवं डिसिप्लिन के लिए विख्यात है। आज एक स्कूल द्वारा कभी भी कोई गलत प्रचार नहीं किया गया है। आपके समक्ष चल रहे इस वीडियो के माध्यम से स्कूल के वातावरण एवं विभिन्न गतिविधियों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जो पूरी तरह से वास्तविक है। इसमें कोई भी पिक्चर एवं फोटो नकली एवं नेट से डाउनलोडेड नहीं है। आपके बच्चों के भविष्य को ग्रीनलैंड्स स्कूल पोरसा सुरक्षित करने का संकल्प लेता है। राष्ट्रीय स्तर की संस्था अब आपके शहर पोरसा में बाईपास रोड टेलीफोन एक्सचेंज के सामने मोहनपुरा रोड पर स्थित है। धन्यवाद। नितिन शर्मा, आई एम फ्रॉम भोपाल। आई टीच कंप्यूटर साइंस सिंस लास्ट ईयर इन ग्रीनलैंड स्कूल। आई रिसीव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन ग्रीनलैंड स्कूल बिकॉज ऑफ वी आर प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड एटमोसफियर इन अवर कैंपस एंड वेल डिजाइन क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, लैबोरेटरी एंड लाइब्रेरी एटसेट्रा। एंड सो नाउ एडमिशन इज ओपन एंड वेलकम टू ग्रीनलैंड स्कूल। आई एम फ्रॉम भोपाल एंड आई एम अ साइंस टीचर सिंस लास्ट ईयर एंड माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड इन द ग्रीनलैंड स्कूल। I am very glad to work in the Greenland School because there is eco-friendly green campus and very well-furnished classroom and audio-visual classes and positive atmosphere and very supportive teachers and management staff. So please hurry up now, join our Greenland. I am Harshivastha from Amba. A team of teachers, they all are very supportive and hardworking. I am so happy to join this school. Thank you. Hello, myself Rama Sharma and I am from Morena. I am a teacher in Greenland School and Greenland School is the best school in our area and I am very happy to join this school. There is a very good team of teachers working here and every teacher has a good experience. I also have 5 years experience. Some special qualities and facilities make this school different from other schools. My name is Sharma. I teach in Greenland School. Greenland School is one of the best school in Porsa area. And it is located a very peaceful place and away from the smoke, dust, noise and pollution of the cities. There, our school provides education
from nursery to 12th. There are very well qualified teachers in my school. Our schools organize sports competition, dance competition, quiz competition annually. It is compulsory for all the students to participate. My name is Deepak Sharma. I am a science teacher in Greenlands school since 2 months. I am very happy with the function of this school and I am very happy to work with principal sir and vice principal ma'am. The management is also very supportive. There is a positive environment in this school. I am myself Nancy Thomas. I study in class 7th in Greenlands school and I am very glad to state that the school management provides a well-established environment for all the students to grow. And the new medium of communication is English and we have good and experienced teachers. They help me to improve myself in very. Hello everyone, myself Pradap Sultan, class 7th in Greenlands School. We received ample opportunity to discover our inner strength and I am very glad that the state of the school management and provides a well-established environment for all the students to grow. Hello everyone, myself Anandan and I study in 9th standard in Greenlands School from this year. And I am very happy with the learning and received from the school. And we have good and experienced teachers. They always help me to improve myself in various levels. Thank you for listening. My name is Sestirian, class 7th. Is the student of Greenlands School. From last year, I am very happy with the learning and received from the school. We have good and experienced teachers. They help me to improve myself. In Selfishika Tamar, I study in grade 8th in Greenland School. We received ample opportunity to discover our inner strength. And I am very glad to state that the school's management provides a well and established environment. And we have good and experienced teachers and they help me to improve myself in various levels. I myself, Anju Tamar, I study in grade 8 in Greenland School. I am very happy to introduce Greenland School to you. Since last year I study here, our school is not only a place to learn but it is enhanced with various kinds. और प्लस उसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं थी डेढ़ हाथ से लिखता था यहाँ भी सीधे हाथ से मैंने लिखना सीख गया है और उसकी स्पेलिंग अच्छी आ गई राइटिंग अच्छी आ गई इसको बोलते हैं मैनर्स आ गया है शायद ग्रीनलैंड स्कूल बाकी और स्कूलों से अच्छी सुविधाएँ अच्छी व्यवस्थाएँ इसमें और जहाँ तक है अपना बच्चा अगर यहाँ पढ़ेगा तो उसका भविष्य अच्छा उज्ज्वल रहेगा मैं तो ये चाहता हूँ जितने भी बच्चे हैं अच्छे स्कूल में अच्छे संस्कार पाएँ उससे आगे बढ़े अपने माता पिता का नाम रोशन करें ये स्कूल बहुत बढ़िया है आपके बच्चे यहाँ पढ़ाई कर चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या था बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छा है और बच्चों में आप बोल सकते हैं कि इन एरियों में इनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं आप बता सकते हैं हाँ बहुत दिन इस स्कूल में आया ना तब से बहुत चेंज है बच्चे मेरे ओके रीडिंग राइटिंग इन ऑल इज अच्छा है बहुत इस स्कूल से बहुत फर्क पड़ा और आप नाम समर कैंप भी अटेंड करवाए हैं उसमें आपको कैसे बच्चा तो अभी भी कर रहा है चाहो तो होशियार है बुरी तबीयत खराब हो गई इसलिए वो बंद ओके आपका जो अपना स्कूल के मैनेजमेंट है टीचर्स हैं उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं टीचर भी बढ़िया है अभी तो मैम अच्छा पढ़ रहे हैं थैंक यू और अपना बच्चे बस में आते हैं मैं एक तो साइकिल से आता है थैंक यू आपको कैसा लगता है हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है वो आपको अच्छा लगता है सब अच्छा जी तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ एक्चुअली ना इससे पहले मैंने लगभग देखो नाम नहीं बोलना चाहिए स्कूलों के लेकिन मैंने कम से कम 3-4 स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराया था जब ग्रीनलैंड था नहीं यहाँ पे तो बच्चे खुद बोलता था मुझे अगर पापा अच्छा नहीं है यहाँ पे मैं एक्चुअली ग्वालियर सेटल होने की सोच रहा था जी क्योंकि मैं आर्मी जॉब कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान पक्का देना चाहिए इसलिए मैं दे रहा था लेकिन जब से वो इसी स्कूल में आया है उसने खुद मेरे को बोला बोला पापा आप सही है एक्चुअल बोला ये ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे बोल रहा हूँ पक्का उसने बोला पापा ये सही है मैंने चलो ठीक है बढ़िया और उसको जो मैं डेली पूछता रहता हूँ बच्चे में तो बताता अच्छे से अभी मुझे खुद पता चलता है कि हाँ आप पढ़ रहा है एंड वी कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग हियर आपके बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं काफ़ी आगे हैं इन सारे प्रोग्राम में सब में तो सर आप ये स्कूल पूरा देख चुके हैं बट हमारे जो भी लोग हैं पोरसा में रहते हैं वो लोग देखे नहीं हैं तो आप थोड़ा सा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो सुविधा आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताओगे हाँ देखो इसमें क्या है जैसे कभी
बस निकल जाता है स्कूल का तो एक कॉल करते हैं तो एक्चुअली वापस बस जाती है बच्चों को लेके आती है। दूसरी बात क्या होता है बच्चों के जो डिसिप्लिन के जिम्मेदार मम्मी पापा आजकल बहुत कब हो पाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो एक्चुअली उनको जो गाइडलाइन देते हैं वो अच्छा रहता है। उससे मैं इतना खुश हूँ इस स्कूल से, इतना बढ़िया लगा मुझे इस स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा के, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चे अपने आप सारा काम करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरा स्टाफ बढ़िया है इसमें, कम से कम 30 बार आया है इस बार, बहुत अच्छा लग रहा है।